आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे VVMI को प्रोग्रामिंग के बारे में, और हम बात करेंगे कि फंडामेंटल के बारे में कि क्या है, कैसे क्या किस तरह से किया जाता है। हमने इससे पहले विजय जी के साथ क्लास में बात किया है कि किस तरीके से हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, इसको एडिट करेंगे, मैक्रो क्या है वगैरह वगैरह हमने डिस्कस किया था। चलिए हम मैक्रो को बात करते हैं कि मैक्रो हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीजें हैं। तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ और मैंने एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले जानिए कि जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बताया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी आप माइक्रो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। डेवलपर टैब कहाँ से आता है? फाइल मेनू बार के कस्टमाइज रिबन से। फाइल मेनू बार में जाएंगे, एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज कि माइक्रो सिक्योरिटी को आपको अनेबल करना है। माइक्रो सिक्योरिटी अगर आपका डिसेबल होगा तो बार बार माइक्रो जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे अनेबल दिस नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन देगा अनेबल करने के बार बार। तीसरा, फाइल को सेव कर लें। जी हाँ, फाइल को सेव करें, लेकिन नॉर्मल फाइल में नहीं, .xml में, मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये करना आप नहीं भूलें। जी हाँ भाई, देखिए माइक्रो सिक्योरिटी और डेवलपर टाइप तो आपको वन टाइम करना है, एक बार आपने कर दिया, जब तक आप ऑफिस चेंज नहीं करते हो तब तक सेम होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फाइल को सेव करना आपको हर बार, हर फाइल जिसमें आप माइक्रो टाइप करने जा रहे हैं उसको .xml में सेव करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किए तो आपका डिफॉल्ट सेटिंग होता है एक्सेल वर्कबुक में और आपकी माइक्रो डिसेबल हो जाएगी। मैं दो तीन बार आपको बता दिया इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ विजुअल बेसिक पे जाना है। अब यहाँ देखिएगा, विजुअल बेसिक का जो ए आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीवी एडिटर आएगा। अब इसके ध्यान रखिए कि वीवी जो एडिटर है ए आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ये इनबिल्ड होता है। और सिर्फ ना कि एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका वर्ड, एक्सेस, आउटलुक सब में होता है, राइट सर। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ए व्यू क्या है। देखिए सबसे पहला ए आपका दिखता है प्रोजेक्ट दिखता है आपको, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को बोलते हैं, मतलब कि जितने फाइल आपके ओपन है सारे फाइलों का लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। उस फाइल के अंदर कितने शीट्स हैं, कितने मॉड्यूल बनाए गए हैं या कितने यूजर को बनाए गए हैं, ये सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप कोलैप्स एक्सपेंड करके इसके अंदर आप वर्क कर सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब कि जो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी हेलो, हाँ अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। ओके सर, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो आपके पास क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोर होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोर में जितने भी फाइल आपके सॉरी जितने भी फाइल आपके ओपन है उसके लिस्ट आपके यहाँ लिखे, जितने भी फाइल ओपन है उसके लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब आपको उस पर डबल क्लिक करके करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा, जो वीवी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे दिखता है। जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दिखेगी, राइट सर। उसके अलावा आप अगर मान लीजिए नहीं है आपके पास तो आपको यहाँ
यह देखिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर फॉर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के लिए, और आपको F4 होता है इसके लिए, सॉरी प्रोजेक्ट स्टोरेज के लिए कंट्रोल आर और प्रॉपर्टीज के लिए F4, या फिर आप व्यू मेनू बार से भी जाके इस पे क्लिक करके ला सकते हैं। और इसको बोलते हैं कोड विंडो, जहां पे हम अपनी कोड को टाइप करें। तो कहां कैसे टाइप करेंगे, हम C1 पे भी क्लिक कर सकते हैं, C2 पे, C3 पे, या फिर हम नया यहाँ इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल और मॉड्यूल पे भी क्लिक करके कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोड लिखें वो आप लिखें मॉड्यूल 1 के ऊपर, मॉड्यूल के ऊपर। इसमें इसलिए नहीं क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि जब आप कोड लिखेंगे तो ये आपको C1 की प्रॉपर्टीज में सेव होगा, और किसी ने C1 को डिलीट कर दिया तो आपका कोड भी डिलीट हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम होगा कि इसे दूसरे फाइल या दूसरे शीट में जो रेफरेंस है वो लेने में दिक्कत होती है। सो इसलिए मॉड्यूल्स में करने से क्या होता है कि आपकी फाइल के प्रॉपर्टीज में सेव हो जाता है और फाइल के साथ ही रहता है, इसे शीट के अंदर नहीं होता। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें समझना होगा टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। जैसे कि मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है ना आपको मैक्रो, सर मैक्रो, हम इसको रन करते तो रन हो जाता है। तो ये मैक्रो है क्या, पहले चीज को जान लेते हैं क्या है। देखिए मैक्रो के बेसिकली पहला जो होता है पब्लिक मैक्रो, पब्लिक मैक्रो मतलब जब आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ होता है ना स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, पब्लिक मैक्रो कहलाता है। या फिर जो मैंने अभी आपने देखा उसके मॉड्यूल में गया और सबने लिख दिया सब और मैक्रो का नाम और कोडिंग कर दिया, ये हो गया पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो क्यों हो गया, क्योंकि ये फाइल के साथ इनबिल्ड है, जहां जहां ये फाइल जाएगी, मान लीजिए मैंने आपको अगर फाइल भेज दिया तो आप भी इस मैक्रो को यूज कर सकते हैं। तो पब्लिकली जहां जहां मेरी फाइल शेयर ट्रेवल करेगी, शेयर करेगी, हर कोई इस फाइल पे वर्क कर सकता है। ओके ये वाला चीज एक बार फिर से समझाइए ना, पब्लिक मैक्रो वाला। देखिए पब्लिक मैक्रो हुआ मतलब कि फाइल की प्रॉपर्टीज में इसकी कोडिंग को सेव हो गया, ठीक है। कोडिंग सेव कहां हुआ, फाइल की प्रॉपर्टीज में, और ये फाइल जहां जहां जाएगा मतलब जिस जिस पीसी पे जाएगा हर कोई इस मैक्रो को यूज कर सकता है। ओके जैसे कि आपने बुक 1 को अगर 100 लोगों के ऊपर भेजा तो 100 लोग इस माइक्रो को रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कोड में पासवर्ड नहीं लगाया तो 100 लोग आपके कोड को देख भी सकता है और एडिट भी कर सकता है। अगर आपने पासवर्ड लगा दिया तो नहीं एडिट कर पाएगा, बट यूज तो हर कोई कर सकता है। यही नहीं, अगर मैंने दूसरा फाइल खोला हुआ है, अभी ये है क्या, ये मैंने लगाया हुआ है दूसरा फाइल खोला, ये मैंने क्या कि पासवर्ड सिस्टम है। मान लीजिए इस फाइल को मैंने, इस शीट को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, पासवर्ड मैंने 1 2 डाला हुआ है एंड ओके किया। अब इस माइक्रो को मैं रन करूंगा तो ये माइक्रो स्टोर कहाँ है, ये बुक 1 में स्टोर है, मतलब बुक 1 में क्रिएट की गई थी, लेकिन हम यहाँ बुक 2 पे इसको रन कर रहे हैं। देखिए पासवर्ड को रिमूव कर दिया, सॉरी मैं यहाँ छोटी सी कोड चेंज करना चाहिए था, एक्टिव शीट। तो बुक 2 पे इस मैक्रो को हम रन कर सकते हैं। हो गया सर, पासवर्ड ब्रेक कर दिया। तो आपने देखा कि हमने किसी और फाइल पे भी रन कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ए आपका सामने जो दिख रहा है पासवर्ड रिकवरी का जो ए है मैक्रो है, ये मैक्रो तभी रन कर रहा है जब हमारा बुक 1 ओपन है। अगर मैंने बुक 1 को क्लोज कर दिया, बुक 1 जिसमें मेरा मैक्रो सेव है इसको अगर क्लोज कर दिया तो आप इस मैक्रो को रन नहीं कर पाएंगे, लिस्ट में दिखेगा ही नहीं। तो पब्लिक मैक्रो की छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है,
ये मैक्रो तभी रन होगी किसी भी फाइल पे जब वो फाइल ओपन होगा। पब्लिक मैक्रो समझ में आ गया? और पब्लिक मैक्रो को कहां करते हैं? हम मॉड्यूल्स में करते हैं। विजय जी समझ में आया आपको? चलिए अब यहां पे दूसरा आता है, वो आता है प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो के दो पार्ट है। दूसरा है हमारा पर्सनल, पर्सनल मैक्रो। जैसे आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहां होता है ना पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। तो ये क्या होता है कि आपकी जो कोड है वो बुक वन में सेव नहीं होगी, वो कोड होगी ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। मतलब कि पर्सनल मैक्रो जो हम क्रिएट करेंगे तो हर फाइल में, हर फाइल के मैक्रो लिस्ट में हमारा पर्सनल मैक्रो दिखेगा। जैसे कोई एक्सेल का कोई टॉपिक, कोई ऐसा कमांड बनाना चाहते हैं, जैसे मान लिया आप कुछ ऐसा मैक्रो बनाना चाहते हैं जो कि हर फाइल में वर्क करे, एवरी फाइल में वो वर्क करे, तो ऐसे मैक्रोस के लिए हम पर्सनल मैक्रो वर्क करेंगे। क्योंकि अगर हमने पब्लिक मैक्रो में बना दिया तो हमें उस फाइल को हमेशा खोल के रखना पड़ेगा, इसलिए हम रिकॉर्ड करते समय पर्सनल मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे और पर्सनल मैक्रो करके उसके बाद उसमें जो भी कोड लिखना है लिख सकते हैं। तो फाइल सेव हो जाएगा कहाँ? ऑफिस लाइब्रेरी। वो आपके हर एक्सेल फाइल जो नया है या पुराना है सारे एक्सेल फाइल में वो परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन भी है। लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि आपकी ही पीसी में वर्क करेगा। अगर मैंने बुक वन किसी को भेज दिया तो उसके पास ये पर्सनल मैक्रो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल मैक्रो हमारे बुक वन के अंदर सेव नहीं है। कहाँ सेव है? एक ऑफिस लाइब्रेरी में सेव। ये समझ में आ गया आपको सर? दूसरा आता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो, अब यहां पे देखिए, जब हमने पब्लिक मैक्रो रन किए, पब्लिक मैक्रो को जो हमने रन किया तो क्या हुआ कि उसको हमें मैक्रोज में जाके रन करना पड़ा, या किसी बटन पे क्लिक करके रन कर सकता हूं, या शॉर्टकट से रन कर सकता हूं तीन मीडियम है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा मैक्रो जब मैं कहीं से क्लिक करूं तो क्लिक करते ही रन हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं यहां पे जाता हूं व्यू कोड में और यहां पे मैं लेता हूं वर्कशीट और यहां पे सिलेक्शन चेंज है ना हमारा, यहां पे मैंने कर दिया एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू जीबी रेड। ओके, अब मैं जहां भी क्लिक करूंगा वो कलर हो जाए। ठीक है, इसका यूज क्या हुआ? मतलब इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग हुआ। जैसे कि आप चाहते हो कि आप डबल क्लिक करें तो काम हो जाए, जैसे आप चाहते हो कि आपने कोई नंबर टाइप किया तो आपका फाइल सेव हो जाए, या नंबर टाइप करते ही वो एरिया लॉक हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया तो इसके सामने ऑटोमेटिक डेट दे दे, या फाइल ओपन होते ही मुझे मैसेज दे, या मुझे यूजर नेम पासवर्ड पूछे, ऐसे ऐसा जो प्रोग्राम जो कि आप किसी इवेंट पे रन करना चाहते हैं, समझ गए? क्या आप चाहते हैं कि मेरा 30 दिन बाद मेरा फाइल ऑटोमेटिक लॉक हो जाए? तो इसके लिए क्या होगा कि हर आपको ओपन पे जब भी फाइल ओपन होगा वो चेक कर लेगा। दूसरा चाहते हैं कि भाई मेरा फाइल दिन भर में एक बार ही ओपन हो या तीन बार ही ओपन हो, समझ गए? तो ऐसी जो कंडीशन है वो आपका मैक्रोज में नहीं इवेंट मैक्रोज में होगा, और इवेंट मैक्रोज जो रन होगा वो उसी के ऑब्जेक्ट से होगा। जैसे मैंने बोला ना कि डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना लोकेशन और अपना इवेंट को सेलेक्ट करेंगे कि मेरा मैक्रो कब परफॉर्म होना चाहिए। जैसे बिफोर डिलीट, शीट को डिलीट होने से पहले आप चाहते हो कि एक मैसेज दे, समझ गए? ये चीज आप यहां कर सकते हैं। तो इवेंट मैक्रो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोड की जाती है, और पब्लिक माइक्रो क्या की जाती है?
एक मॉड्यूल में। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सर मुझे तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले माइक्रो पे, तो आपको पता चल गया ना पब्लिक माइक्रो प्राइवेट माइक्रो क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, इवेंट क्या है, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कैसे, माइक्रो को डिफाइन कैसे करें, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ ना, इसे डिफाइन कैसे करें। तो आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना, अब एक जरूरी नहीं कि एक मॉड्यूल में एक ही माइक्रो लिखेंगे, एक मॉड्यूल में कई सारे माइक्रो लिख सकते हैं, तो या फिर कई सारे कैटेगरी के माइक्रो लिख सकते हैं, तो कैटेगरी वाइज अगर करते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है? हेलो, सॉरी मुझे हो गया था। ओके, तो आप एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करें और यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे माइक्रो का नाम, जैसे कि टेस्ट। तो माइक्रो का नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा कि माइक्रो का नाम में स्पेस या डॉट कॉमा डैश ऐसा चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है? डॉट डैश कॉमा ऐसे चीजें नहीं आनी चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर आप दे सकते हैं स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके आगे बहुत सारे लोग पब्लिक सब लिखते हैं, तो पब्लिक सब भी लिख सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है, वो सेम प्लस वन एंड वन में होता है, प्लस वन लिखिए या फिर वन लिखिए, बोथ आर द सेम। ऐसे है यहाँ पे पब्लिक सब या सब लिखिए, बोथ आर द सेम। जो माइक्रो आपने डिफाइन किया वो आपके यहाँ माइक्रो लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं रन कर देखता हूँ, यहाँ देखिए माइक्रो लिस्ट में आपका आ गया। अब यहाँ जिसका रनिंग शॉर्टकट बनाना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट बना सकते हैं, इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो लिख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है कि आप माइक्रो नेम एक नाम के दो माइक्रो नहीं बनाएंगे एक फाइल के अंदर, फाइल अलग अलग हो तो चलेगी। ठीक है? दूसरा, माइक्रो के अंदर में नाम थ्री लेटर एंड न्यूमेरिक ना लिखेंगे, जैसे कि राज वन। ऐसा क्यों बोला मैंने राज वन? ऐसा बोलने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ देखिए जैसे तो क्लिक करेंगे तो रन ही नहीं कर पाएंगे, रन अटक गया। क्यों? क्योंकि राज वन नाम का ऑलरेडी आपके पास सेल है, रेफरेंस। समझ गए? इसलिए ये दो चीजें आप ना करें। अब बात आती है कि हम माइक्रो कैसे लिखें, हम पहला वर्ड क्या लिखें, उसके लिए आपको एल्गोरिथम एल्गोरिथम दिखना होगा आपको। जैसे मान लीजिए यहां जाता हूं कि मुझे यहां पे नेम लिखना है, यहां पे रोल लिखना है और यहां पे हमें लिखना है मार्क्स। तो इसके लिए पहले आप एक एल्गोरिथम तैयार करें, जैसे कि यहाँ स्टार्ट और यहाँ पे सेलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट बी वन, एंटर रोल, सेलेक्ट सी वन, एंटर रोल नहीं इसमें मार्क्स हो। समझ गए सर? अब इसी के बिहाफ से हम कोड लिखेंगे। ठीक है? कोड जब भी हम लिखते हैं तो मेरे से चार ऑब्जेक्ट होता है। पहला होता है एप्लीकेशन, हम कोड की पहला लाइन एप्लीकेशन से शुरू कर सकते हैं, पहला वर्ड, या वर्क बुक से, या शीप से, या रेन से। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम बोलते हैं राम इज गुड बॉय, तो राम क्या है? नाउन। हम जानते हैं सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमें नाउन को पहले लिखना पड़ेगा, क्या सर? हाँ। उसी तरीके से ए समझिए आपके ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिटेल,
तो कोड लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा वर्क बुक्स, हमने यहाँ लिखा बुक वन डॉट एक्सएलएस डॉट सेव एज एंड पाथ, जैसे कि यहाँ पे डी स्लैश 2020 स्लैश 123 डॉट एक्सएलएस, समझे। अब कोड लिखने का तरीका ये है, ये आपका क्या आ गया वर्कबुक, हमने फाइल को सेव करना है, तो फाइल जो है हमारा किस पे इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हमारा वर्कबुक को, तो इसलिए वर्कबुक से स्टार्ट होगा। तो कौन सी फाइल, तो यहाँ आगे वर्कबुक की डिटेल क्या करना है सेव, मतलब कि नंबर क्या है सेव, कहाँ से आ गए इस लोकेशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल, मेंबर एंड मेंबर की डिटेल, तो चार इसके इनपुट्स होते हैं, पहला आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिटेल, मेंबर, मेंबर की डिटेल, और दोनों को ऑब्जेक्ट और मेंबर के बीच में हमें डॉट का इस्तेमाल करना होता है, डॉट जिसे समझ में आता है कि ये डॉट है, मतलब एक अगर हम सिंपल आम भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं लोकेशन, इसको बोलते हैं एक्शन, कहां पे क्या करना है। तो आपको इस डिसाइड करने से पहले आपका ए होना चाहिए ना, एल्गोरिथम होना चाहिए, राइट। आप बोलोगे सर ये लिखने की क्या जरूरत थी हमें, फिर ठीक है छोटा मोटा मैक्रो है या आपका काम है तो आपको दिमाग में प्लस सेट है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा काम जैसे आपने ही मुझे एक बोला कि सर मुझे एक रिपोर्ट को ऑटोमेट करना है आप मैक्रो लिख दीजिए, तो रिपोर्ट में कैसे बनाते हैं आप मुझे बताएंगे तो सारा चीज दिमाग में सेट थोड़ी हो जाएगी, हमें उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, क्योंकि मैक्रो एक पर लाइन क्लासेस है, पर लाइन कोड करना होता है, मतलब एक काम के लिए एक लाइन लिखाएगा, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, इस तरह से। तो हमें आपके जो वर्क है उसको लाइन में ब्रेक करना होगा ताकि उसके हिसाब से हम कोड लिख सके, समझ गए सर। तो पहले आप अपने काम को लाइन में ब्रेक करना सीखिए, तभी आपके पास बहुत सारे वर्क होगा जो आप रिपोर्ट बनाते होंगे उसको आप एल्गोरिथम में तोड़ना सीखिए, फिर कल से हम आपकी कोड कंसेप्ट को शुरू करेंगे कि कोड कैसे लिखते हैं। आज मैंने बताया कि मैक्रो कौन कौन से होते हैं और कितने कैसे मैक्रो को डिफाइन करेंगे, कहां डिफाइन करेंगे और कहां क्यों डिफाइन करेंगे, ये समझना आ गया आपको सर। विजय जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।